सभी खाना पकने का इंतजार कर रहे हैं। चिकन को देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उसे यहाँ पे पकाया होगा। यहाँ की हलचल देख लग रहा है कि शायद खाना पक चुका है। और ये देखिए भाई साहब, नदी किनारे इन चट्टानों पे केले के पत्ते में हमारी थाली सजाई जा रही है। ये सब देख के आपको ये पता तो चल ही गया होगा कि पुराने जमाने में यहाँ के लोग बिना आधुनिक सुविधाओं के इतना लजीज खाना कैसे बनाते थे। बैम्बू राइस और बैम्बू चिकन तैयार हो चुका है और हमारी डाइनिंग टेबल पर इसे सजाया जा रहा है। यहाँ का खाना सिर्फ मांसाहारियों के लिए सीमित नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, अगर आप शाकाहारी हैं, तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये देखो आज की स्पेशल डिश मेंढक। और इन्हें देखिए, इतनी भूख लगी है कि मेहमान को छोड़कर भाई साहब खुद ही शुरू हो गए। आज आखिरकार मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी यादगार रहा और अगर जिंदगी में आपको कभी मौका मिला है यहाँ पे आने का तो आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। टेस्ट के लिए नहीं लेकिन एक्सपीरियंस के लिए जरूर। Eat it without the skin, please. How does it taste? Chicken, fish. दोनों को मिलाइए, जो कॉम्बिनेशन लगेगा वो है मेंढक का टेस्ट। मसाले डाले नहीं गए हैं, नमक है, थोड़ी सी मिर्च है, तो ब्लैंड टेस्ट नहीं लगता है। द फ्लैश इट्सेल्फ हैज अ लिटिल फ्लेवर, द फ्लैश टेस्ट गुड, बट द फैक्ट दैट यू आर ईटिंग अ फ्रॉग, The thought itself is quite disgusting, but then it's a local delicacy. Enjoy, but it's wrong.